हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, ट्रेनिंग ए न्यू पप्पी। जो नॉर्मली पप्पी ट्रेनिंग के लिए बेसिक्स जो होते हैं, आज हम वो सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, थॉर जो है ना बहुत एग्रेसिव है और बहुत ही एक्टिव है। ऐसे पप्पीज को ट्रेन करना थोड़ा दिक्कत होता है। और वैसे भी थॉर को अभी हार्डली 4.5 मंथ्स हुआ है, तो उसमें बहुत सारे हमें मतलब दिक्कत आ रही है उसको ट्रेनिंग करने के लिए। पर देखिए, थॉर भी कोशिश कर रहा है और मैं भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब मिलके हम लोग थोड़े बहुत ट्रेनिंग करने की, बेसिक्स जो है सीखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नॉर्मली हमें ट्रेनिंग देने के लिए उन लोगों को ट्रीट्स देना पड़ेगा, जैसे कि कोई बिस्किट हो गया या फिर छोटे मोटे पपी ट्रीट्स आते हैं, तो उसके हेल्प से वो हम उनको आराम से ट्रेनिंग कर सकते हैं। देखिए, जो बहुत सारे कमांड्स होते हैं, जैसे कि नो हो गया, फिर डाउन हो गया, फिर हैंडशेक, फिर हाई फाई, और आगे जाके हम आपको मतलब बहुत सारे ऐसे कमांड्स आप धीरे धीरे अपने पपी को सिखा सकते हैं। देखिए, तो इसके लिए आपको बहुत सारी पेशेंस की ज़रूरत है और उस बहुत सारे लव एंड बहुत सारा ट्रीट्स। पर अभी तक थॉर का ये निपिंग का प्रॉब्लम अभी तक नहीं गया, वो बहुत बाइट करता है। बाय द टाइम वो ठीक हो जाएगा। देखिए, थॉर अभी हाई फाई देने की कोशिश कर रहा है। देखिए, देखिए अच्छे बच्चे के जैसा बैठ गया। अब देखिए हाई फाई। देखिए, फाइनली सक्सेस हो गया, तो हाई फाई इज कंप्लीट नाउ। अब देखिए, थॉर हाई जंप करेगा। देखिए, थॉर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ग्रेट ग्रेट। देखिए, तो ये जो सब चीजें हैं, देखिए आउटडोर ट्रेनिंग है, जैसे कि देखिए थ्रो एंड पिक। ये देखिए, मैं एक छोटा सा कार्डबोर्ड है उसको फेंक रहा हूँ और वो लेके आ रहा है। तो ऐसे आप अपने पप्पी को भी ट्रेन कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।